रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग हो गई है सर अभी शुरू। तो 9 बजे हैं। चलो ऐसा सब बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर जैसे जैसे आ जाएंगे फिर करते जाएंगे आगे। चलिए एक मिनट नोटबुक खोलूँ बस। सर श्योर। इसका एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 2, 3 13.2, वन ये टू थ्री इस एक्सरसाइज में टैन वाले याद रख लो, इस एक्सरसाइज में टैन वाले जितने भी हैं ना हाँ जी ठीक बहुत इम्पोर्टेंट है। है सर। दस हो गए हैं मेरे ख्याल में, 9 हो गए। अच्छा अभी करते हैं बिस्मिल्लाह, फिर आते जाते हैं। यस सर। वेटिंग वेटिंग रूम में 2 गए और ओके। अच्छा हाफिज साहब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले है, हाँ फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स 5/13 वो कोज प्लस वाला साइन था, है। क्वेश्चन कोज इनवर्स की इक्वल नंबर हाँ जी, वो कल क्वेश्चन किया नंबर नहीं। 2 करने सर। यस सर हो गया। हाँ टेन टेन इनवर्स वन ये ओवर सबसे फोर इजी प्लस फॉर्मूला इसका है, सबसे इजी फॉर्मूला इसका है। टेन इनवर्स यस सर ये अल्फा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, जैसे उसमें लिखते थे हम, उसमें भी यही था हमारे पास फॉर्मूला। यस सर उसमें हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, उसमें था टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बीटा यस ओवर सर 1 माइनस 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यस सर ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास है टेन इनवर्स वाले में ये फॉर्मूला है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, ये सारे का इनवर्स ही आते, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा हो गया ये सारे के सारा पोर्शन, और ये सारे का सारा पोर्शन हो गया बीटा, ठीक हो गया। अब इसको हमने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाने के बाद हम देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनता है। ये फार्मूला जो ऊपर लिखा था अभी मैंने ना, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये देखें हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये थी, हमारे पास बीटा की वैल्यू ये है, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा। वेटिंग रूम वेटिंग रूम वेटिंग रूम टेन इनवर्स ऑफ ए टेन इनवर्स ऑफ बी, ये उसने साइड पे भी फार्मूला लिख लिया है। अब ये देखिए इनका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऊपर क्या आ गया, 5 4 बार 20, 20 एलसीएम आ गया। 20 एलसीएम आने के बाद हमारे पास नीचे भी 20 एलसीएम आ गया, उनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 20 20 से कैंसिल, 9/19। हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव भी यही करना है, 10 इनवर्स 9/19। यस सर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक होगा जिसमें 10 3 दफा आता है आप सब, है सर क्वेश्चन नंबर 9 है वो। क्वेश्चन नंबर 8 या 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर लिख लो। है इसमें, हाँ यस सर है क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, आपके सिलेबस में है, है वही तो कह रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन हाँ नंबर ठीक है। 9 नहीं है। सिलेबस में नहीं है, 9 है भाई क्या हो गया भजन, 9 सिलेबस में नहीं पाई है। है, आपको नहीं पता पाई है है। आपके सामने जब कह दिया बस फिर है। मेरा पेन ही रुक गया है सर जी मैं भी देख रहा, सर। क्वेश्चन नंबर अरे थ्री चेक है, करके बताता हूँ। चलिए ठीक है, तब तक देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तब तक। अरे टू करवा टेन क्या रहे इनवर्स हैं आप, अल्फा सॉरी बायो क्या करवा रहे, मैं बायो फर्स्ट तो करवा रहा हूँ, 13.2 इस्लामिक थर्टीन का पॉइंट करा टू दें सर। हाँ हाँ नहीं सर मैं अभी भी आया हूँ, कौन सा क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ आपसे एक्सरसाइज अच्छा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा ऐसे हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd 13.2 का ना, हमने हाँ जी ऐसे फार्मूला पूछ कल रहा, ठीक देखे थे है सर। इनवर्स वाले फार्मूला, तो उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं। अच्छा अभी ये था 2 tan inverse 2/3 sin inverse 12/13, आपको याद होगा ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया है।
उसे अब वापस पिक करनी है, ऐसे में दिया आया था उसको ये वाला फार्मूला जो है हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं, वो बात जब सर नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 ठीक हो गया, जब उसमें जाएंगे तो उधर कर लेंगे डिस्कशन। अब इसमें देखें हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या आता है, टेन इनवर्स 2/3 साइन इनवर्स 12/13। अब इस पूरे पोर्शन को 13.1 में हमने किया था, इस पूरे पोर्शन को रखते थे अल्फा के बराबर, इधर से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा की वैल्यू वो इंटेंसिटी की बात है, इधर से कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो जब इसका स्केयर खत्म करते हैं तो इसके ऊपर आ जाता है अंडर रूट, ये जो लिखा हुआ है, तो साइन अल्फा की वैल्यू पुट की, साइन अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास थी, कोज अल्फा की क्यों मिलूँ की, दूसरी तरफ हमने देखा क्या आ रहा है इधर टेन आ रहा है, हमने टेन बनाना था, तो टेन बेसिकली हमारे पास रेशियो होता है किसकी, साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा की, तो जब हमने देखा इधर साइन अल्फा की वैल्यू निकाली इधर से, तो वो कोज अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हमने 5/13 टेन अल्फा बाय 2। अब ये टेन अल्फा बाय 2 क्यों कर रहा है कोई बताएगा मुझे, आप सब बताएंगे। अब ये देखें ये सवाल बनता है बेसिकली 2 टेन इनवर्स ऑफ 2/3 इधर है साइन इनवर्स 12/13, इस पूरे को हमने क्या रख लिया है अल्फा, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये बन गया टेन इनवर्स 2/3। अब ये टेन दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा सिंपल टेन, टेन अल्फा बाय 2। हमें इधर से जाके पता लगा कि इधर फार्मूला हमने कौन सा लगाना है, टेन अल्फा बाय 2 का। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। ये 13.1 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे जिसमें वो कोस साइन 2 अल्फा वाला फार्मूला लगाया था, और एक में हमने लगाया था कोस 2 अल्फा वाला फार्मूला, वो भी इसी तरह था सेम फार्मूला। या दूसरा पोर्शन इसका इस तरह है, अगर इस तरह नहीं करना आपने, इसको सपोज कर लो, इसको पुट कर लो, इसको जब अल्फा पुट करेंगे तो साइन इधर आके क्या बनेगा साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा का फार्मूला, अब ये टेन है, टेन से हमने कोस की वैल्यू फिर मालूम करनी थी, फिर उस फार्मूले में पुट करना, सेम आंसर यही आना था जो इसका आंसर है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो साइन की वैल्यू हमारे पास थी, कोस की मालूम कर ली, उनकी दोनों की वैल्यू जो है वो अब टेन अल्फा बाय 2 वो आपको बता दिया इधर से बनता है हमारे पास फार्मूला, टेन अल्फा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस कोज अल्फा ओवर 1 प्लस कोज अल्फा, कोज अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/13, वो पुट करी, पुट करने के बाद आंसर क्या आ गया 2/3, ये जो आ रहा था 2/3। अब 2/3 आ गया, टेन इधर आके क्या हो जाएगा टेन इनवर्स दूसरी तरफ जाके, टेन अब टेन दूसरी तरफ जाके हमारे पास बन गया टेन इनवर्स, और पीछे क्या रह गया 2 अल्फा, ये देखें एक मिनट एक मिनट, हाफज का हाफज साहब कोई फूक शूक मार दिया करें, ये खुद ही रेज रूज हो जाए, ये रेज करने में काफी टाइम लग जाता है। अच्छा भाई ये देखें टेन अल्फा बाय 2 का आंसर आ गया 2/3, तो ये टेन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3, ये हमारे पास आ गया अल्फा बाय 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या रह गया अल्फा की वैल्यू स्टार्टिंग में पुट किया था हमने, टेन इनवर्स दूसरी तरफ जाके क्या हो गया ना इधर थर्ड, ये देखो यहाँ था हमारे पास टेन अल्फा बाय 2 का आंसर आ गया 2/3, ये टेन इधर आके क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 2/3, इधर रह गया अल्फा बाय 2, ये 2 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया टेन इनवर्स 2/3 हो गया, और इधर रह गया अल्फा, अल्फा को हमने स्टार्टिंग में पुट किया हुआ साइन इनवर्स 12/13, तो ये हमारे पास यही स्टेटमेंट हमने क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। क्लियर हो गया? यस सर। वैसे एक मिनट ऊपर करें सर, एक मिनट ये रेस कर दूं इधर से, कर दें कर दें,
ये फार्मूले आपको बताए, जस्ट आपने मेन तीन फार्मूलाज हैं, तीन फार्मूलाज हैं, सर क्वेश्चन वन करवा दिया आपने। हाँ जी, ये तीन अभी तीन हमारे पास से जो क्वेश्चन है ना, ओ टेन वाले स्पेशली। जी आप सर, बस एक मिनट सर, अगला सर क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, करूँ मूव आगे? यस सर। देखो कितनी मौजें लगी हुई हैं आप लोगों की, सारे सवाल उसने खत्म करवा दिए। दो इमरान खान को दुआएं। साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, उसका फार्मूला मुझे कौन बताएगा? साइन इनवर्स ए इनटू साइन इनवर्स वन माइनस बी स्क्वायर, अगर प्लस वाले तो दरमियान में प्लस, इधर बी, इधर आ जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये देखें, ये ए की वैल्यू है प्लस ये बी की वैल्यू है, साइन ए प्लस साइन इनवर्स बी, ये लिख दिया उसने, साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी। अब साइन इनवर्स ए की वैल्यू ये आ गई, वन माइनस बी की वैल्यू ये आ गई। अब बी की वैल्यू पहले ये इस मेथड से, और ए की वैल्यू ये आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली यही साइड बनेगी, साइन इनवर्स 77 ओवर 85। इसमें जस्ट फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी सर, नेक्स्ट हाफिज साहब। ठीक है, अगले थोड़े मुश्किल है सारे। वो मुश्किल कोई नहीं है, मैंने कहा मुश्किल इसमें कोई नहीं है, जस्ट फार्मूलाज आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके फिंगर पे ऐसे आराम से हो जाएंगे। सर जी, जो जो से फार्मूलाज, सर जो से फार्मूलाज ये एक्सरसाइज के पीछे एंड में से बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं वही है साइन। बेसिकली इसमें दो फार्मूला ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, साइन इनवर्स वाले, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी या टैन वाले, ये दो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इसका? 11 11वां ओ भाई अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है, हमने प्रूफ कर देना इसको। ये देखो टेन इनवर्स वन ओवर इलेवन प्लस फाइव ओवर सिक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस फाइव ओवर 66, पता लगा ना, अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। राइट हैंड साइड पे भी साथ ही फार्मूला लगा लेते हैं, टेन इनवर्स वन ओवर थ्री प्लस वन ओवर टू डिवाइडेड बाय वन माइनस वन ओवर सिक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका बन जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, ये बन गया ऊपर एलसीएम बन गया 66, इधर आ गया 6 और इधर आ गया 55 ओवर, नीचे आ गया 66, 66 माइनस 5, इधर बन गया 1 ओवर 6 एलसीएम आ गया, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3, नीचे भी 6 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 1 आ जाएगा, 6 6 से कैंसिल, इधर 66 66 से कैंसिल, ऊपर बन गया ये कितना बन गया 61 ओवर 61 और इधर भी हमारे पास क्या बन गया 2 प्लस 3 5, 6 माइनस 1 5 ओवर 5 5 ओवर 5, इधर ये 61 61 से कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है 5 बाय 4 के, टेन इनवर्स इधर से भी 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है 5 बाय 4 के। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई? Equal. ठीक हो गया।
इसमें टैन वाली दोनों मतलब साइड्स आ जाए ना, नहीं तो इसको एक मेथड और है, सारे टैन एक तरफ ले जाएं, ये जितने भी टैन आ रहे हैं सभी टैन एक तरफ ले जाएं, जब उनको आप करोगे ये सारे उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इनमें से माइनस कॉमन लेके फार्मूला यही लगाना है, एट द एंड क्या बनेगा इधर, मतलब पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर इक्वल टू जीरो, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल मेथड है इस तरह साइड। आप साहब रेज कर दो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का ये मतलब वही पार्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम एज इट इज वही है, उसमें वो तीन टेन दे दिए, इसने उसने दो टेन टू टेन इनवर्स 1/3, इसको हम लिख नहीं सकते ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसको हम लिख सकते हैं दो दफा, मतलब अगर हमारे पास और 2a उसको लिख सकते हैं ना a प्लस a, तो इसने भी यही किया, tan inverse 1/3 yes, और tan inverse 1/7 पहले ही था हमारे पास मौजूद था। अब इन दोनों पे फार्मूला लगाएंगे, इन दोनों पे पहले फार्मूला लगा लो हमारे पास, इन दोनों पे हम फार्मूला लगाते हैं tan inverse 1/3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9, ऊपर भी बन गया एलसीएम क्या आ गया 3, ऊपर क्या बन गया 2 tan इनवर्स ओवर, ये नीचे एलसीएम बन गया 9 8, अब ये 3 वन्स आर 3 थ्रीज आर 2 वन्स आर 2 टूज आर और 2 फोर्स आर, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 3/3/4। हाँ अब ये देखिए tan इनवर्स आगे अब फिर है 1/7, अब इस पे फिर अगेन फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस 3/28। नेक्स्ट ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम क्या आ गया 28, 7 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 प्लस 4 ओवर 28, 28 माइनस 3, 28 28 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बन गया 25, नीचे भी क्या बन गया 25, कैंसिल होके क्या बन गया 10 1, ये किस पे वैल्यू होती है 5/4, जो 5/4 हमने बनाना था उस पे ही ये वैल्यू होती है, क्लियर क्लियर है? यस सर, ओके। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसका ही भाई था छोटा ना, जी आप साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सर, क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा भी ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस में से लाजमी क्वेश्चन पेपर में आना है 2 नंबर का, ये है नीचे 4-5 सवाल है ना, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना है, कितने आप साहब इनमें से क्वेश्चन जो इस तरह के हैं? 4 है सर। हाँ 4 है सर, नहीं 4 के 4 मतलब करने नहीं सर, 14 है 17 18 19 है, ठीक है इनमें से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का ना। अब ये देखें इसमें करना क्या होता है, इसमें यही पोर्शन वही जो पीछे प्रीवियस में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने,
अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है जहां पे हमारे पास होगा इनवर्स वाला फंक्शन उसको हमने अल्फा के बराबर सपोज कर लेंगे, इसने वाई के बराबर सपोज कर लिया, इधर से क्या बन गया कोज वाई इक्वल टू एक्स। अब अगर हमारे पास कोज है तो इसका मतलब इधर से साइन भी होना चाहिए हमारे पास, तो अब इधर से साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है साइन स्केयर वाई प्लस कोज स्केयर वाई इक्वल टू वन, इधर से साइन वाई इक्वल टू वन माइनस कोज स्केयर वाई का अंडर रूट, कोज वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास एक्स, वो हमने एक्स पुट कर दी। अब इधर से हमारे पास देखें, अब इसको हमने क्या पुट किया था साइन टू कोज इनवर्स को हमने वाई पुट किया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है साइन टू वाई का टू साइन वाई कोज वाई, डबल एंगल फार्मूला। साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन की वैल्यू ये निकली है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोज वाई की वैल्यू क्या है एक्स, आंसर क्या बन गया टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। सर दोबारा समझा दें, दोबारा देख लें, दोबारा देख लें, जो हमारे पास कोज इनवर्स था उसको हमने क्या पुट कर लिया वाई के बराबर, वाई के बराबर पुट करने के बाद इधर एक मिनट साइन टू कोज इनवर्स ऑफ एक्स, अब ये वाले कोज इनवर्स ऑफ एक्स को हमने पुट कर लिया था वाई के बराबर, जब वाई के बराबर पुट किया तो ये क्या बन गया साइन टू वाई, तो इसका मतलब हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, साइन टू वाई का फार्मूला क्या होता है टू साइन वाई कोज वाई। अब हमारे पास इधर से वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं जस्ट कोज वाई की, कोज वाई इक्वल टू एक्स आ गया, तो हमें तो साइन वाई भी चाहिए, साइन वाई मालूम करने के लिए हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी साइन स्केयर वाई प्लस कोज स्केयर वाई इक्वल टू वन वाली, उधर से हमने कोज वाई की वैल्यू पुट करने के बाद साइन वाई का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया, वो दोनों आंसर इसमें पुट किए इस क्वेश्चन में, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ओके यस सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, जी हाँ फसल 17 प्रश्न नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 जी हाँ फसल क्या है क्वेश्चन नंबर 17 इनवर्स x। अच्छा अभी ये देखें, आपको वो बताया ना कि साइन और टैन का जो है माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, बाकी सबका माइनस अब्सॉर्ब हो जाता है, ये देखें yes। अब ये देखें हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है टैन वर्स में भी, टैन वर्स में क्या था माइनस पुट करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है ना, माइनस जब पुट करते तो माइनस बाहर आ जाते हैं। अब इधर करता क्या है बेसिकली, अब इधर हमारे पास करता है ये देखें टैन वर्स लेफ्ट हैंड साइड को उसने पुट कर लिया वाई के बराबर, वाई के बराबर पुट करने के बाद इधर से टैन दूसरी तरफ जाके क्या बन गया टैन वाई माइनस एक्स आ गया। अब उसने क्या किया, अब ये किया उसने कि ये माइनस जो है ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो टेन का माइनस कहाँ आ गया बाहर इस साइड पे आ गया, वो इस साइड पे था दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने ये माइनस प्लस हो गया, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें अब ये देखें, अब इसने क्या किया कि टेन ये देखें ये वाला फॉर्मूला लगाया उसने, टेन का जो माइनस होता है वो क्या होता है बाहर आ जाता है,
हेलो यस सर ओ हूँ हाँ सर मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं बोल नहीं रहे कि मेरा नेट तो नहीं खराब नेट तो डस सही है सर जी हाँ तो बोल दिया करो ना हूँ हाँ कर दिया करो मुझे तसल्ली हो जाती है ओके सर अच्छा ये देखो ये इसने ये फार्मूला लगाया ये फार्मूला लगाने के बाद उसने क्या किया टेन दूसरी तरफ दोबारा ले गया माइनस वाई आ गया अब फिर उसको दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और वाई की दोबारा वैल्यू पुट कर दी यही सारे के सारे स्टेप हमने करने हैं साइन इनवर्स पे अब ये देखें साइन इनवर्स के हम यही स्टेप रिपीट करते हैं ये है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा या एक्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है सर ये देखें वाई इक्वल टू ये सपोज कर लिया हमने माइनस ठीक हो गया ये साइन दूसरी तरफ से आके क्या बन गया साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ये बन गया साइन वाई इक्वल टू एक्स फहद फहद यस सर यस सर नजर आ रहा है ये किधर गया था वो आप यस सर आ रहा है ठीक हो गया जी ये आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया माइनस आ गया अब इसकी जगह हमने क्या पुट करना है साइन माइनस वाई इक्वल टू एक्स वो ही जो इधर किया था टैन वाले के साथ टैन का भी माइनस वाइड आ जाता है साइन का भी तो इधर से साइन दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन एक्स इक्वल टू वाई इधर से हमारे पास क्या बन जाएगा वाई की वैल्यू अगेन पुट कर दें y की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या रखी थी ये वाली जो लेट की थी हमने y की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन वर्स ऑफ माइनस x तो माइनस उसका बाहर आ गया साइन वर्स ऑफ x ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया क्लियर यस सर नेक्स्ट जी हाफिज साहब क्वेश्चन नंबर 18 है सर क्वेश्चन नंबर 18 एक मिनट क्वेश्चन नंबर 18 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी दफा पेपर में आया हुआ है ये थोड़ा सा होता है कॉम्प्लेक्स अच्छा भी ये आ गया बोर्ड मार्कर हाफिज साहब आपका फेवरेट कलर कौन सा है कोई नहीं चलो सही है अच्छा भी ये आ गया कोज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोज इनवर्स ऑफ एक्स ये हमने प्रूव करना है बहुत ज्यादा जीप क्वेश्चन है गंदे से पता नहीं पेपर में आते भी हैं कि नहीं एक आ ना क्वेश्चन शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है किसका पता नहीं आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे आपकी नहीं मैं बोल ही नहीं रहा सही तरह सुन रहा मैं तो आ रही है सही सही आ रही सर जी आवाज सही आ रही है अच्छा भी ये अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को हमने पुट कर लिया वाई के बराबर तो इधर से हमारे पास क्या बन गया पाई माइनस कोज इनवर्स ऑफ माइनस वन कोज इनवर्स ऑफ एक्स तो ये कोज इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास क्या करेगा ये दूसरी तरफ चला जाएगा दूसरी तरफ जाके प्लस और वाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ये अगले स्टेप में ये किया है पाई माइनस वाई equal to cos inverse of x अब cos इधर है तो cos हम दूसरी तरफ ले जाएंगे x तो अब इधर हमारे पास आपको फार्मूला याद होगा cos alpha minus beta का cos pi cos beta plus अगर minus है दरमियान में फिर plus आ जाता है sin pi sin y equal to x cos pi की वैल्यू हमारे पास होती है कैलकुलेटर से निकालेंगे minus 1 और sin pi की वैल्यू होती है 0 ये वाला पोर्शन सारे का सारा जीरो हो जाएगा रह जाएगा माइनस कोज वाई इक्वल टू एक्स माइनस कोज वाई इक्वल टू एक्स और माइनस दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो
तो कोज अपनी मेन पोजीशन में दोबारा आ जाएगा, कोज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई, वाई किसके बराबर था शुरू में, पाई माइनस कोज इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर था, वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया हाफिज साहब? हेलो सर, ये यस सर, मैं एक दफा इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, यहां से फार्मूला सर दोबारा रिपीट कर दे रहा, मैं इंपॉर्टेंट है ये वाला ना, ओके सर दोबारा रिपीट। ये देखो cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू पाई माइनस कोज इनवर्स ऑफ एक्स, इसको हमने लेट सपोज कर लिया वाई के बराबर, वाई के बराबर पुट करने के बाद ये देखो मैं इधर साइड पे कर देता हूँ, वाई इक्वल टू पाई माइनस कोज इनवर्स ऑफ एक्स, ये कोज इनवर्स ऑफ एक्स इधर आके क्या हो गया प्लस, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो गया पाई माइनस वाई, ये कोज दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा कोज ऑफ पाई माइनस वाई, सभी सवाल ऐसे ही कर रहे हैं कोज इनवर्स वाले, तो इस पे कोज अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया, कोज अल्फा कोस बीटा माइनस है तो दरमियान में क्या आ जाता है इधर प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा ये तो साइन बीटा होता है जीरो हो गया क्योंकि साइन पाई जीरो होता है, कोस पाई होता है माइनस, तो माइनस वन, ये कोस माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स, अब इधर से हमारे पास माइनस दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू क्या आ गया कोस वाई, तो कोस वाई अब ये इधर आके क्या हो जाएगा cos inverse of minus equal to x equal to y, y हमने क्या पुट किया हुआ था शुरू में pi minus cos inverse x, pi minus cos inverse of x, वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया? Yes sir जी हाफिज साहब, next sir question number 19 है, question number 19 कितने रह गए और बस सर यही है, टाइम भी खत्म हो गया वैसे भी ना, खत्म हो जाएगा आज, ठीक हो गया इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, कल 14 चैप्टर हम खत्म करेंगे फिर उसके बाद कुछ इंशाल्लाह और चैप्टर शुरू करते हैं सर, एक दिन में होगा वो, हाँ एक दिन में थर्ड चैप्टर ही कर लेते हैं, वो भी आसान है उसमें बेसिकली पेयर्स बनाते हैं सर, वो हो जाना क्वेश्चन नंबर 19 है, यस सर, ओके सर। अच्छा अभी ये देखें चैप्टर नंबर 14 के 6 सवाल ही हैं सर, हां तो वही ना मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन में वो इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर लेंगे, यस सर। अच्छा अभी नेक्स्ट आ गया हमारे पास 19 क्वेश्चन नंबर 90, जो भी हमारे पास आता है इनवर्स वाला फंक्शन उसको हम पुट कर लेते हैं y के बराबर, y के बराबर पुट करने के बाद हमने क्या कर लिया उसको कन्वर्ट किस में कर लिया, साइन दूसरी तरफ जाके इनवर्स था वो सिंपल फंक्शन बन गया साइन वाई इक्वल टू एक्स, अब ये देखो इसको हमने क्या पुट किया था वाई, तो इधर क्या बन जाएगा टैन वाई, टैन वाई किसके बराबर होता है साइन वाई ओवर कोज वाई, अब साइन वाई की वैल्यू तो हमारे पास एक्स आ गई, अब कोज वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, यही फॉर्मूला लगेगा कोज वाई की जगह, वन माइनस साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास एक्स साइन वाई की, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, दो लाइनों का सवाल था ये, ये हुआ कि नहीं, पहले आप इन्हें ये बना लेनी है जब भी करना है ना सवाल, कंफ्यूजन नहीं होती, ये बाद में बनाता है इधर जाके, आपने पहले बनाना है मतलब इसको वाई पुट किया है तो टेन वाई बन गया, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है साइन वाई और कोज वाई, आपने इधर से साइन वाई तो बना लेना है, अब कोज वाई की वैल्यू नहीं थी आपने उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा लिया आइडेंटिटी वाला, वो फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ओके यस सर। चलें भी रह गया एक मिनट, कॉल खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और कोई इसके अलावा बात पूछनी है पूछो, फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, फिर नहीं इसके बाद हम करेंगे फोर्थ, सर थर्ड रहता था वो जो थर्ड रहता है, थर्ड में आपको करवा दूंगा उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, ओके सर, वो दो एक्सरसाइज ही रहती हैं आपकी बेसिकली,